फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट डोसा की रेसिपी, जिसे आपको घंटों भिगा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत जल्दी बन जाता है और काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। सिर्फ 2 कटोरी सूजी से हम इस जो डोसा है वो काफ़ी क्वांटिटी में हम डोसा बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो देखिए, इसके लिए मैंने 2 कटोरी सूजी ले लिया है, ये देखिए, और सेम कटोरी से मैं 1 कटोरी यहाँ पर डाल दूँगी आटा। मीन्स रेशियो होना चाहिए हाफ का। अगर आप 2 कटोरी सूजी डाल रहे हैं तो 1 कटोरी आटा डालिए, मतलब जितना आप सूजी डालेंगे उसका आधा आप आटा डाल लेंगे। तो इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं देखिए दही ले रही हूँ, और एक घर का जमा हुआ दही है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए, और इससे क्या होता है कि हमारे जो जालीदार जो डोसा बनते हैं, जालीदार डोसा हमारे बन के रेडी होंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक बैटर बना के रेडी कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसका एक बैटर बना दूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक साथ आप पूरा पानी नहीं डालना है, उससे फिर गीला हो सकता है। तो अभी हमने इसको देखिए थोड़ा गाढ़ा ही रखा हुआ है, और हम इसको फिर ढक देंगे। सिर्फ 10 मिनट के हम इसको ढक के साइड पर रख देंगे, जिससे कि ये फूल भी जाएगा। सूजी है तो फूलती बहुत है। तो हम चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया है प्याज, टमाटर, और जितनी क्वांटिटी आपको चटनी चाहिए वो आप रख सकते हैं, और 3 से 4 लाल मिर्च है, और नारियल मैंने देखा है, देखिए, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, और थोड़ा सा नींबू, और ये हम चने की दाल ले रहे हैं, और लहसुन। तो इन चीज़ों से हम बनाएंगे इसकी चटनी। बहुत अच्छी चटपटी से हम चटनी बना के रेडी करेंगे, क्योंकि डोसे खाने में चटनी से ही मज़ा आता है, या फिर आप सांभर बना लीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और दाल को आप ध्यान रखिए कि जो दाल है उसको मैंने भिगो के रख दिया था आधा घंटे पहले, तो उससे वो सॉफ्ट हो गई है। तो उस पर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, क्योंकि इसमें नारियल भी गया है और दाल भी गई है, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो इसको हम तड़का मार देंगे। हमने कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया, और जैसे ऑयल गर्म हुआ तो हमने थोड़ा सा लाई के दाने डाल दिए हैं, और फिर जो हमने चटनी बनाई हुई थी उसको हम इसमें डाल देंगे, और इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट तक आपको इसको हाई फ्लेम में इसी तरह से चला लेना है। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ये देखिए, और कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे, बस यही तीनों चीज़ हमने इसको डाल के इसको मिक्स कर दिया है। और हम थोड़ा सा इसको खट्टा करने के लिए इसमें नींबू डाल देंगे, देखिए इस तरह से, फ्रेश जूस। और अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो बस देखिए, हमारी जो चटनी है बनके रेडी है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको ये चटनी बनाने में, और इसका जो टेस्ट है बहुत अमेजिंग आएगा। तो अब हम देख लेते हैं जो हमने बैटर रेडी किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं जो बैटर था वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है पहले से, ये देखिए हिल भी नहीं रहा है। तो अब हम इसको और थोड़ा सा पतला कर देंगे यहाँ पे, ये देखिए अभी काफ़ी गाढ़ा है। तो अब हम इसको यहाँ पे पतला कर देंगे, थोड़ा सा पानी इस पर डाल के, और इसका एक ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, उस हिसाब से हमको इसको बना लेना है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे, क्योंकि हल्के से नमकीन डोसा ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इनो, ये देखिए, इनो से क्या होगा कि ये काफ़ी फ्लफ़ी बनेंगे और बहुत अच्छे से, मतलब इसमें जालियाँ बढ़ेंगी। और अगर आपके पास इनो ना हो तो आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा पिंच भर इसमें डाल लें, और इसको इस तरह से मिक्स कर लें। तो अब हम इसका तेल बना लेते हैं, डोसे में जो पानी छिड़कते हैं वो। तो थोड़ा सा पानी लेके उसमें हल्का सा ऑयल हम डाल देंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो आपका तवा है वो अच्छे से चिकना भी हो जाएगा, और डोसे हमारे चिपकेंगे नहीं। तो तवे पे मैंने वो पानी डाला और इस तरह से कपड़े से पोंछ दिया, और हम फिर जल्दी से इस पर डोसा डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें डोसा का बैटर डाल दिया, और इसको हम इस तरह से घुमा लेंगे। और आपको कितने बड़े साइज़ का डोसा चाहिए ये आप पर डिपेंड करता है। आप बैटर अगर ज़्यादा डालते हैं और फटाफट इस तरह से घुमा लेते हैं तो जो डोसा है वो और बड़ा बन जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसको इस साइज़ का बना रही हूँ, तो मैंने 1 करछी ही इस पर बैटर डाला है। अब मैं हल्के से साइड में थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी इस तरह से, देखिए, ताकि इसके कोने चिपके नहीं, और ऑयल डालने से ये क्रिस्पी भी काफ़ी अच्छा क्रिस्पी बनेगा।
और जैसे ये गोल्डन कलर का हो जाएगा तो नीचे से ये जो पैन है, तवा है, उसको भी ये छोड़ देता है। तो 30 सेकंड के बाद आपका जो डोसा है देखिए सिक चुका है, नीचे से गोल्डन कलर का हो गया है। तो इसको हम हल्का सा एक बार फिर से पलट देंगे इस तरह से, और देखिए आप लोग कितनी अच्छी जालियाँ इसमें बनी हुई हैं। बहुत अच्छा जालीदार डोसा हमारा घर में ही बन के रेडी हो जाता है, और इसके लिए आपको घंटों भिगा के रखने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ 10 मिनट आप इसको भिगाइए और घर पे ही आप क्रिस्पी सा डोसा खा के उसका इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा देखिए फर्स्ट डोसा जो है बन के रेडी है, और इसी तरह से मैं और डोसे भी बना लूँगी सेम प्रोसेस से। काफ़ी ईजी होता है ये बनाना, आप लोग इसको जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से इसको फॉलो कीजिए, तो आपके डोसे भी बहुत अच्छे सॉफ्ट और बिल्कुल जालीदार डोसे बनेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बताएं। तो इसी तरह से मैं दूसरा वाला डोसा भी बना के रेडी कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी जालियाँ इस पर बनी हुई हैं, कोई बता नहीं सकता कि ये बिल्कुल सूजी का डोसा हमने बनाया हुआ है। तो इस सेम प्रोसेस से हम सेक के दोनों साइड से इसको हम फोल्ड कर लेंगे, और जो हमारा दूसरा डोसा है वो भी देखिए बन के रेडी है। तो इसी तरह से हम सारे के सारे डोसे बना लेंगे। आप लोग इसको सांभर के साथ ले सकते हैं, चटनी के साथ ले सकते हैं, तो आप लोग कभी भी इसको बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक सभी को बाय बाय।